हाय एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हम किस तरह से अपना अकाउंट को चेक कर सकते हैं या फिर हम यहां पर किस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कई बार हम लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आधार सीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, तो उस परिस्थिति में या तो हम अपने ब्रांच जा करके अपने अकाउंट से आधार को लिंक कराना होता है या तो फिर हमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट को ओपनिंग कराना होता है। क्योंकि अगर हमारे पीएम किसान सम्मान निधि में पहले से जो दिया हुआ है अकाउंट नंबर दोस्तों, उसमें अगर आधार लिंक नहीं होता है तो उस परिस्थिति में हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उस अकाउंट में नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण हम लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट को ओपनिंग कराना होता है। और जब हम लोगों का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक बार अकाउंट ओपनिंग हो जाता है दोस्तों, इसके बाद ऑटोमेटिक हमारा आधार सीडिंग की स्थिति भी ठीक हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को जितना भी डीबीटी के माध्यम से पेमेंट मिलता है दोस्तों, सभी पेमेंट मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को आज के डेट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बैलेंस को चेक करना या फिर ट्रांजैक्शन करना, यानी सभी प्रोसेस को हम लोगों को पूरी जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हम किस तरह से अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं और किस तरह से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां आने के बाद हम लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना होता है। तो जैसे ही प्ले स्टोर ऐप को ओपन किया दोस्तों, हम लोगों को सर्च बार में चले जाना होता है और यहां पर हम लोगों को टाइप करना होता है IPPB। तो जैसे ही हम लोग IPPB को टाइप कर लिए दोस्तों, सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो सेकंड नंबर में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, जहां पर हम लोगों का IPPB मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसी वाले ऐप को हम लोगों को यहां से इंस्टॉल कर लेना होता है। मैंने ऑलरेडी इस ऐप को यहां पर इंस्टॉल करके रखा हुआ दोस्तों, इसलिए हम लोगों का यहां पर ओपन का ऑप्शन आ गया है। आप लोग यहीं से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, या तो फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, आप लोग वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ओपन जहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कुछ ऐप इस तरह से ओपन होके आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर जितना भी ऑप्शन आएंगे दोस्तों, सभी ऑप्शन को हम लोगों को अलाउ कर देना होता है। और अलाउ करने के बाद इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों को जहाँ लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसी वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों का जो अकाउंट नंबर ओपनिंग हुआ है दोस्तों, यानी हमारा जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है। इसके बाद कस्टमर ID एक होता है दोस्तों, जिसको हम लोग CIF नंबर भी कहते हैं। उस नंबर आप लोगों को जो कार्ड मिला है दोस्तों, जो आप अकाउंट ओपनिंग करने के समय जो आपको एक कार्ड मिला होगा, सबसे ऊपर में आपको जिस तरह अकाउंट नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, उसी माध्यम से सबसे ऊपर में आप लोगों का उस कार्ड में एक नंबर होगा, उसी नंबर को यहां पर टाइप कर देना होता है। इसके बाद हम लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, उसको यहाँ पर टाइप कर देना होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ अपने मोबाइल नंबर को भी टाइप कर देना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर 4 डिजिट का एक MPIN बनाना होता है दोस्तों। आप लोग MPIN में 11 या फिर 000 इस तरह से नहीं बना सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर नंबर अंतर करके बनाना होता है, जैसे 2415 1524 इस तरह करके, यानी कुछ आप लोगों को MPIN बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो MPIN को आप लोग टाइप कीजिएगा दोस्तों, सेम MPIN को आप लोगों को यहाँ पर भी टाइप करना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर सेट MPIN का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही हम लोगों के यहाँ सेट MPIN पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों का MPIN वहाँ पर सेव हो जाता है। इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से
पेस्ट ओवर होकर आ जाता है दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। जैसे हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पर अपने गांव फिर शहर का नाम को टाइप कर देना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, तो यहाँ पर आप लोगों का स्कूल को टाइप कर देना होता है। इसके बाद आपका फेवरेट फ्रेंड को पूछा गया है दोस्तों कि आपका फेवरेट फ्रेंड कौन है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को किसी एक फेवरेट नाम को टाइप कर देना होता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो फेवरेट टीचर का भी नाम को यहाँ पर फिल कर देना होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों ने जितना भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है, सभी क्वेश्चन और आंसर को आप लोगों को याद रखना होता है, या तो फिर किसी कॉपी या डायरी में आप लोगों को लिख करके रखना होता है दोस्तों। क्योंकि जब आप इस ऐप में लॉगिन होंगे दोस्तों और आप अगर पासवर्ड इसका भूल जाते हैं और फिर से आपको फॉरगेट करके एक न्यू पासवर्ड बनाने की यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, तो उस समय आप लोगों को किसी एक क्वेश्चन और आंसर आपसे पूछ सकता है, आप लोगों को आंसर देना होता है। जैसे यहां पर आप लोगों को पूछ देगा कि व्हाट इज नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पर अभी जो नाम को टाइप कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को आंसर में उस टाइम उसी नाम को टाइप करना होता है, सेम स्पेलिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है। तो अब हम लोगों को इतना ऑप्शन को यहाँ पर फिल करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो ऑलरेडी हम लोगों का उस मोबाइल नंबर में एक OTP चला जाता है और यहाँ पर हम लोगों का उस OTP को ऑटोमेटिक वेरीफाई ले लेता है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन जहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो MPIN हम लोग बनाया है दोस्तों, जो पासवर्ड बनाया है, उस पासवर्ड को यहाँ पर हम लोगों को फिल करना होता है, और इतना करने के बाद हम लोगों का यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऐप पर ओपन हो जाते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। अब हम लोग यहाँ पर सभी ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह हम लोग अपना फ़ोनपे UPI ID में देख सकते हैं, फ़ोनपे गूगल पे को हम लोग चलाते हैं दोस्तों, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है दोस्तों। हम यहाँ पर अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं, हम अपना अमाउंट को कहीं ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी फ़ोनपे UPI में हम जो भी प्रोसेस करते हैं दोस्तों, सभी प्रोसेस को यहाँ पर कर सकते हैं। अपना बैलेंस को भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, सभी ऑप्शन को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को यूज कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके कोई एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपकी राय को जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।